एवरीवन. सो जैसे मैंने बताया कि मेरे उज्जैन से दर्शन हो चुके हैं प्रॉपरली. अभी मैं जो है वो मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मूव कर रही हूँ. सो उज्जैन की जर्नी बहुत अच्छी रही. हर हर महादेव. सब सही सलामत सुरक्षित कुशल मंगल हो गया है. अब जो है मेरी उज्जैन से ट्रेन है जयपुर के लिए. आगे मैं वहीं पे ही शूट करूँगी. कल सुबह मिलते हैं. एक्चुअली मेरा जयपुर घूमने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन मेरा एक जो मेन मोटिव था जयपुर आने का वो अभी के लिए तो पूरा नहीं हो पाया. तो इसलिए मेरा मूड बहुत ऑफ था एंड इसलिए मैं कहीं भी नहीं गई. एंड आज मेरी 8:25 रिटर्न ट्रेन है मुंबई के लिए जयपुर से. सो अभी करीबन 5:30 पौने 6 हो रहे हैं. मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा है, 1-1.5 घंटा है. तो बेटा मैंने सोचा कहीं जा तो नहीं रही हूँ, खाना खा लूँ, खाना खा कर आऊँ. एंड जो लोकल मार्केट है वहाँ पे कुछ ख़रीदना था मुझे, तो लोकल मार्केट में ही कुछ देख लेती हूँ. होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मैं पहले सारी चीज़ें देख लूँ अच्छे से, क्योंकि इस बारी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा भी रहा. सोलो ट्रिप बहुत अच्छी थी. और आई होप अभी अच्छे से मैं घर पहुँचूँ. अब मैं जा रही हूँ मार्केट, फिर वहाँ से आके मुझे मेरा बैकपैक पूरा प्रॉपरली करके रखना है, क्योंकि जो भी सामान ऐड होंगे फाइनली फिर ही मैं बैग लॉक कर पाऊँगी. सो अभी तो मैं चलती हूँ इससे पहले बहुत ज़्यादा लेट हो जाए. फिर मिलते हैं. फाइनली मैं मेरे रूम में आ गई हूँ. अभी जो है मेरी 8:25 की ट्रेन है जयपुर टू मुंबई. सो मुझे अच्छा लगा. अभी मार्केट गई थी मैं, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, बस थोड़े से ग्लिम्स कलेक्ट किए हैं जो मैं बाद में शेयर करूँगी. बट हाँ, यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है. एंड बिकॉज़ ये जयपुर है यहाँ पे सारी हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ के प्राइजिंग बहुत ही बहुत हाई हैं. बट येस, इट्स काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऐसी जगहों पे हम बार बार नहीं आते और हैंड आइटम्स बहुत जल्दी नहीं मिलती है. मैंने खुद ने ही करीबन 3,000 की शॉपिंग की है, जिसमें मैंने 2 या 3 ही सामान आए. बट येस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं. एंड जब आप ऐसी चीज़ों को खुद टच करके फील करते हैं तो यू कैन सी के हाँ जो है क्यों इसके प्राइजिंग हाई हैं.
बट मुझे बहुत अच्छा लगा. अब जो है मैं रेडी हो रही हूँ फिर से जाने के लिए घर, तो मेरे को अभी पैकिंग भी करनी है फटाफट. पैकिंग आगे आगे जो है अब मैं यहाँ से निकलूँगी जल्दी, एंड फिर मुझे अपनी ट्रेन कैच करनी है. एंड रात का समय है अगेन, तो इतना ट्रेन में तो कुछ छूट होगा नहीं. सो जितना भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा ट्रेन का जर्नी का एक्सपीरियंस रहा. मूड ऑफ मेरा सुबह ही हो गया था जब मुझे पता चला कि मैं जहाँ जाने वाली थी वहाँ पे फिलहाल जो है वो स्थान, वो वहाँ के द्वार बंद हैं. तो देखते हैं अब जब बाबा का बुलावा आएगा तब फिर से चले आएंगे. तो अभी के लिए मिलते हैं हम बाद में. बाबा ही जयपुर. सो अभी मैं बैक टू मुंबई जा रही हूँ. रात का टाइम है 8:42 है. सो जर्नी बहुत अच्छी रही. जैसी उज्जैन में मैंने बहुत इन्जॉय किया, जयपुर में मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट की बिकॉज जो एक दिन मेरा कंटिन्यूटी ट्रैवल था उसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी. तो इसलिए जयपुर में ज़्यादा घूमी नहीं. जो मेन यहाँ पे है मार्केट वहीं गई थी एंड वहाँ का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगी. सो ऑल ओवर जर्नी वॉज वेरी गुड. अभी मैं जाती हूँ मेरी प्लेस पे, आराम करूँगी. मॉर्निंग का वेट है, घर जाऊँ मम्मा से मिलूँ. सो मिलते हैं मॉर्निंग में. बैक टू माई होम एंड घर आके बहुत अच्छा लग रहा है. 2-3 दिन बाद मैं मॉम से मिल रही हूँ एंड बट ऑब्वियस उनको बहुत मिस कर रही थी मैं ट्रिप पे. सो ऑल ओवर थोड़ा लेट शूट किया मैंने बिकॉज मैं आई, खाना खाया एंड फ्रेशन अप हुई, सो गई. एंड अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे रेस्ट करके. एंड येस बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है. बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ऑरा, बहुत कुछ अच्छा फील हो रहा है. एंड यूजुअली ऐसा होना भी चाहिए, महादेव के दर्शन किए हैं भाई, तो ये तो स्वाभाविक है. माता रानी के दर्शन किए हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा. जर्नी बहुत अच्छी थी, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए मेरा ये सोलो ट्रिप. ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया. सोचा भी नहीं था, कहते ना कई बार अनप्लान चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो ये वही कुछ था. सो बहुत अच्छा लगा. बहुत जल्दी ये 2-3 दिन निकल गए एंड बस यही कहना चाहूँगी. मैं ये व्लॉग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे एंड व्लॉग देख के आपको पता चल जाएगा कि मेरी जर्नी कैसी रही है. सो हाँ, न्यू चैनल है, प्यार दीजिएगा अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट्स मेंशन कीजिएगा कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी इन फ्यूचर. आई मेक श्योर कि मैं चीज़ें सीखूं एंड सब कुछ जीरो से स्टार्ट होता है. तो ये भी कुछ ऐसी ही शुरुआत है जो मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा.